हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलरीज टेस्टफुल किचन। देखिए, हमने बहुत सारी सब्जियां काट ली हैं। जैसे हमने बीन्स को लंबा काट लिया है, येलो बेल पेपर को काट लिया है स्लाइस में, रेड बेल पेपर है, कैप्सिकम है, ग्रीन शिमला मिर्च, गाजर है, उसके भी लंबे स्लाइस कर लिए हैं, और एक प्याज है। और ये मैंने दो प्याज को बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है। ये तीन टमाटर की हमने बनाई है प्यूरी। तो जैसे जैसे हम जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सब चीज़ें लिख दूंगी कितनी क्या क्वांटिटी है। लेकिन आप इस सब्जी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसका नाम है वेज जाल फ्रेजी। तो सबसे पहले हमने एक टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और इसमें डालेंगे हम ये आधा चम्मच जीरा, और उसके बाद डालेंगे हम, पहले इसको जीरे को गरम होने देते हैं, हल्का सा भूनते हैं। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल होटल जैसी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बीन्स। हमको ना सब्जियों को क्रंची रखना है, तो बस जैसे स्टर फ्राई करते हैं ना, उस तरह से हमें इनको पकाना है लगातार चलाते हुए, है ना। तो बीन्स और गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम सबसे पहले बीन्स और गाजर डाल देंगे और इनको लगातार चलाएंगे, क्योंकि कैप्सिकम और बेल पेपर में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये येलो और रेड बेल पेपर, कैप्सिकम, ये जूलियंस में कटे हुए ना बहुत सुंदर लगते हैं, इनको भी हम चलाएंगे, मिक्स करेंगे और ऐसे स्टर फ्राई करेंगे। देखिए, लगातार चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं। बहुत हमें गलाना नहीं है सब्जियों को। इसमें हम ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये अंदर से ना फीकी फीकी ना लगे। तो आधा चम्मच के करीब या 1/4 टीस्पून, अगर आप कम खाते हैं तो नमक डाल दें, और बस इसको स्टर फ्राई कर लेते हैं। आप ऐसे भी कच्ची खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। हल्की सी क्रंची रहती हैं, थोड़ा हम मसाले में डालने के बाद भूनेंगे। बीन्स और गाजर में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता लगता है। वो सब्जियाँ हमने निकाल ली हैं, और ये हमने एक चम्मच ऑयल डाला है पैन में, और कुछ मैंने ना ये स्लाइस्ड अनियन रखे हैं, उनको भी मैं इसमें एक बार ये हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। ये भी खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास कॉलीफ्लावर है, आप कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा 1 pinch सॉल्ट डाल देंगे, और बस हल्का सा इसको क्रंची रखेंगे और इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, जब कुछ इस तरह से हो जाए ना, तो ये प्याज डन है। अब हमने पैन में ऑयल डाला है, थोड़ा सा बटर डालेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। एक सूखी लाल मिर्च हम तोड़ के डालेंगे, अगर आप थोड़ा सा तीखा चाहते हैं तो दो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ प्याज। चॉपर से चॉप कर लीजिए इस प्याज को, तो ये बहुत महीन कट जाता है। तो प्याज को भूनते हैं। और ये लिए हैं हमने कुछ मसाले, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1 tablespoon धनिया पाउडर है, आधा चम्मच किचन किंग है। आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, आप कश्मीरी रेड चिली और तीखी रेड चिली जो है बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। हरी मिर्च भी आप प्याज के साथ काट के डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे पानी में भिगो के रख देंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, और प्याज हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं।
इसी के साथ हम इसमें ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। खुशबू बहुत बहुत अच्छी आ रही है। प्याज को ना बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है, बस इस समय ये तैयार हो गई है। अब हम डालेंगे ये भीगा हुआ मसाला, जल्दी से लगातार चलाएंगे ताकि ये मसाला जो है जले नहीं। आप सूखा भी डाल सकते हैं, मगर ऐसे डालने से ना मसाला जलेगा नहीं। तो कुछ सेकंड्स के लिए इस मसाले को भूनते हैं और अब डाल देंगे हम इसमें ये टमाटो प्यूरी, जो हमने 3 टमाटर को पीस कर बनाई है। और अब इस समय ना हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से भुनने की इंतज़ार करेंगे, है ना। जब तक खूब अच्छे से टमाटर नहीं भुन जाएंगे तब तक हम इसमें सब्जियां नहीं डालेंगे। थोड़ा सा ये नमक डाल देंगे। जीरा पाउडर है आपके पास, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी भी आप डाल सकते हैं। मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए भुनना शुरू हो गया है और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच ये चाट मसाला और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए नमक मसाले मिर्ची ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिसने जो बोला उतना डाल दें। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिली है या सॉल्ट है या थोड़ा खट्टापन है थोड़ा मीठापन है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमने रोस्ट कर लिया है मेथी को, कसूरी मेथी को, और इसको हाथ से क्रश करके अब हम ऐसे डाल देंगे। हाथ से क्रश करने के बाद में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा मसाला जो है वो तैयार है। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया ये भुन गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये प्याज और ये सब्जियाँ। और इनको करेंगे मिक्स ताकि ये सारा ना मसाला कोट हो जाए। और गैस को कर देंगे अब धीमा और ये अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट के लिए ना हम इसको भूनेंगे ताकि जो मसाला है ना इसमें कोट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। और बहुत बहुत बढ़िया लगने वाली है ये। और 1 से 2 मिनट हमें भूनते हुए हो गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। देखिए मैंने ज़रा सा टेस्ट किया है, यकीन मानिए इट्स सो यम्मी, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। अगर आपने आज तक ये नहीं बनाई है, केवल रेस्टोरेंट में ही खाई है, तो प्लीज़ बनाकर देखिए, आप रेस्टोरेंट में खाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से कोट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है, देखने में सुंदर, खाने में बहुत टेस्टी। ज़रूर इन त्योहारों में ये सब्जी ट्राई कीजिएगा, खाने वाले भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।